हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ट्रेड रन की तैयारी। मैं हूँ अंकित तिवारी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने उस ट्रेड के बारे में जो मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, मैंने एक ट्रेड बना हुआ है और मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको कल की वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो मैंने 22 दिसंबर 43,000 तक पुट सेल किए हैं 4 क्वांटिटी में, जिसका उस टाइम रेट चल रहा था 91 का। और सेम उसकी हेजिंग के लिए मैंने 43,000 की ही एक पुट बाई की है, लेकिन ये 25 जनवरी की यानी जनवरी मंथ एक्सपायरी की एक लॉट में बाय किया है। तो ये ट्रेड कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। इस ट्रेड में क्या है कि करंटली मार्केट लगभग 44,000 के आसपास खड़ी है और उसके ऊपर कहीं भी जाती है मार्केट तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा ही, लेकिन अगर नीचे भी आती है तो जब तक ये 43,000 के नीचे है, ठीक है, जब तक ये 43,000 के नीचे क्रॉस नहीं करती तब तक मुझे इसमें ट्रेड में कोई लॉस भी नहीं आएगा। और मेरे जो इसमें ब्रेक इवन है वो लगभग 42,805 के आसपास है, यानी अगर मार्केट यहाँ से 1200 गिर जाती है तो उसके बाद मेरा लॉस इस ट्रेड में स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं इस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक थीटा पॉजिटिव ट्रेड है। थीटा पॉजिटिव ट्रेड मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम स्पेन होगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही बनी रहेगी या फिर थोड़े बहुत नीचे भी आएगी, तो इसमें थीटा बहुत हैवी थीटा है, धीरे धीरे नीचे आ भी जाती है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, जो 43,000 के हमने जो पुट 4 लॉट बेचे हुए हैं, तो उसका ऑप्शन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा 25 जनवरी का जो ऑप्शन है जो हमने बाय किया है, उसका थीटा बहुत कम है, उसमें प्रीमियम डीके बहुत ही कम होगा। तो इसके पीछे मेरे केवल यही लॉजिक है। अब चार्ट पे देख लेते हैं, चार्ट में इस ट्रेड को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मैं चार्ट पे बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग जो हमारा 42,950 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारा लॉस कहाँ पे स्टार्ट था? हमारा लॉस स्टार्ट था 42,800 के नीचे, यानी अगर मार्केट 42,800 के नीचे आती है तो आपको उस ट्रेड में लॉस होगा। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जो 42,950 के आसपास आ रहा है, यानी अगर मार्केट यहाँ से गिरने के बाद अगर इस ट्रेड को यहाँ पर आ भी जाती है तो मुझे यहाँ तक कोई लॉस नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैंक निफ्टी है वो आपको एक पोल और फ्लैग पैटर्न में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बार बार एक पोल बनाती है, फिर एक फ्लैग बनाती है, फिर एक पोल बनाती है और फिर एक फ्लैग बनाती है। तो जब भी मार्केट को गिरना होगा तो एक फ्लैग का फॉर्मेशन करने के बाद उसके बाद यहाँ पर गिरेगी। जैसे ही ये अगर फ्लैग का फॉर्मेशन करती है कि अगर मार्केट यहाँ पर रुकने के बाद टाइम स्पेंड भी करती है तो उसमें मेरा जो थीटा है वो बहुत पॉजिटिव है। जो मैंने नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का 4 लॉट सेल किए हैं उसमें मुझे बहुत अच्छा थीटा दिखेगा मिलेगा। एक लॉट में हेजिंग के पीछे का पर्पस क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से तेजी से गिर भी जाती है तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जो इस टाइम वीक सर्विक्स लगभग 13 के आसपास चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ से तेजी से गिरना भी स्टार्ट कर देती है तो वीक्स जो है हमारा बढ़कर वो 15 के आसपास चला जाएगा। जो मैंने जनवरी एक्सपायरी का 43,000 का जो एक लॉट में पुट बाय किया है, जिसके उस टाइम वैल्यू लगभग 380-381 रुपये में मैंने बाय किया था, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ के लगभग 1,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है जो मैंने एक लॉट में बाय किया है, ये मुझे लॉस से काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। साफ कर देते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने फिर से एक पोल फॉर्मेशन किया, अब मैं फ्लैग फॉर्मेशन की फिर से उम्मीद करता हूँ। तो ये जो फ्लैग फॉर्मेशन होगा इसी दौरान मेरा थीटा डीके बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा। इस ट्रेड के बारे में अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक्सप्लेन करता रहूंगा कि इस ट्रेड में अब क्या चल रहा है और टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। ट्रेड का पूरा सिनेरियो देखना चाहते हैं कि ये ट्रेड किस तरह मेरा एक्सपायर हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस चार्ट के बारे में कि मार्केट में बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस किस तरह आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूं, अगर इस ट्रेड में मैं बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 43,700 के आसपास ही मुझे सबसे पहला एक अलर्ट का सिग्नल मिलेगा। उसके बाद एक बहुत अच्छा लेवल है अगर मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, तो नेट सपोर्ट की बात करूँ तो ये लगभग 43,500 के आसपास नेट सपोर्ट मिलेगा इस ट्रेड में। उसके बाद हमारा नेट सपोर्ट लगभग 43,300 के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फाइनल जो सपोर्ट है वो हमारा 42,900 के आसपास होगा। तो मैं सबसे पहले अगर ये हमारा 43,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है बैंक निफ्टी, तो उसके बाद मैं इस ट्रेड में देखूंगा कि मुझे कुछ एडजस्ट करना है या नहीं करना है, या 43,800 के आते आते मुझे 2 दिन या 3 दिन टाइम स्पेंड हो चुका है, फिर फर्दर में मेरा रिव्यू पॉइंट होगा 43,500 का। यानी अगर 43,500 के नीचे आती है मार्केट तो मैं फिर से रिव्यू करूंगा, अगर हेजिंग मुझे ऐड करने की जरूरत पड़ेगी इस लेवल पर मैं
हैजिंग भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। और फर्दर मेरा जो सपोर्ट है वो लगभग 43,300, अगर 43,300 के नीचे ये एक्सपायर करता है तो मुझे डेफिनेटली हैज को ऐड ही करना होगा। तो करंटली अगर आरएसआई की बात करें, आरएसआई भी 60 से ऊपर चल रही है, तो मुझे इस फिलहाल इस ट्रेड में कोई भी रिस्क नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड था। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि मैं अपने एक वीडियो में इस ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये पूरा लॉजिक था कि मार्केट ने पोल और फ्लैग बनाया है, और फ्लैग बनाने के बाद यहाँ पर एक टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी कि मार्केट एक बुल सिनेरियो में है, और बैंक निफ्टी पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन बनाने के बाद ही बार बार ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो फ्लैग फॉर्मेशन के बाद देखते हैं कि मार्केट फर्दर एक कंटिन्यूसली बाइंग सिनेरियो में जाती है या फिर से एक बेयरिश सिनेरियो में एंटर करने की कोशिश करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।